हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ बेकर्स ट्रिप। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। लास्ट मैंने अपनी वीडियो यूट्यूब पे जो अपलोड की थी वो आज से 1.5-2 महीने पहले थी। कुछ मिस हैपनिंग या कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हुए जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं की, जिस वजह से मेरी इस वीडियोज़ में काफ़ी गैप आ चुके हैं। तो मैं आज अपनी वीडियो को दोबारा यूट्यूब में लेकर आ रही हूँ। दोबारा अबेकस की क्लासेस अब मैं कंटिन्यू करने स्टार्ट कर रही हूँ कि जिससे अब आप बच्चों को दिक्कत नहीं होगी और अब मेरी अबेकस की क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो अबेकस में आज करवाऊँगी वो है लेवल 1 का ही पार्ट है। मैंने आपको लेवल 1 में अपनी लास्ट वीडियो में +10 -1 = +9, +10 -2 = +8 ये 2 फॉर्मूलेज मैंने आपको करवाए थे, आपको याद हो तो। ठीक है, और बच्चों ने घर में होमवर्क भी किया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। आई नो 1.5-2 महीने हो चुके हैं, उसको गैप आ चुका है काफ़ी। कोई बात नहीं, उस गैप को मैं आपको कवर अप कर दूंगी। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है या बैकस के बारे में बताया है, मैं आपको अपनी नई वीडियोस में भी उसमें आपको दोबारा से रिपीट करती रहूँगी, ताकि आपको वो दोबारा से गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 मैंने आपको जो अपने पार्ट 2 में करवाया था जो 2 फॉर्मूले, अब मैं उसके नेक्स्ट 2 और करवाऊँगी, जिसका एक है हमारा +10 -3 = +7, यानी कि 10 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट मैंने ले ली तो 7 चॉकलेट्स बचती हैं। ठीक है, मैं आपको स्कूल के पैटर्न से बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं आपको स्कूल के पैटर्न से लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको जो भी आगे करवाऊंगी वो सारा अबेकस का ही पार्ट होगा और अबेकस से रिलेटेड ही क्लासेस होंगी। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट इक्वेशन है +4 +7 +2। ठीक है बच्चे, अब मैं इस इक्वेशन को आपको करवा रही हूँ। फिंगर्स आई थिंक आप सबको याद होंगी कि हमने थंब कब यूज़ करना है, इंडेक्स फिंगर कब यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट्स के लिए अभी हमें फ़िलहाल राइट हैंड ही यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड हम कब यूज़ करेंगे, जब डबल डिजिट्स आएंगे। अभी हमारी डबल डिजिट्स नहीं आई हैं, लेवल 1 में अभी हमारी सिंगल डिजिट्स ही चलेंगी। जब हम लेवल 2 में आएंगे, तब हमारी डबल डिजिट्स आएंगी, तब हम अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ अपनी राइट हैंड का यूज़ करेंगे, इंडेक्स का एंड थंब का। ठीक है, +4 +7 +2 क्लियर दिख रहा है ना आपको, +4 +7 के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया है, +10 -3, यानी कि टेंस में से लेंगे +10, वंस में से लेंगे -3, और 2 के लिए 1 2। आंसर इज 10 11 12 13। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, 13। नेक्स्ट इक्वेशन है +3 +7 +3। ठीक है, इस ये भी बहुत इजी है, 1 2 3। ध्यान दीजिए, मैं थंब का यूज़ कर रही हूँ और इंडेक्स फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, 1 2 3। नेक्स्ट इज 7 7 के लिए हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, +10 -3 +10 -3। ठीक है, देन 3 1 2 3। ठीक है, आंसर इज 10 11 12 13, अगेन 13। ठीक है, ये तो हमारी 3 इक्वेशन वाले थे, अब मैंने आपको यहाँ पर 4 वाला करवाऊँगी, +2 +2 +7 -1। ठीक है, +2 1 2 +2 1 2 +7 7 के लिए क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, +10 -3। अब यहाँ क्या है, -1, आंसर इज 10। नेक्स्ट है हमारा +10 -4 = +6। लास्ट था हमारा +10 -3 = +7। ठीक है, इसकी इक्वेशन है +2 +2 +6। देखो +2 +2 +6 के लिए हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, +10 -4 = +6 +10 -4, आंसर इज 10। नेक्स्ट इक्वेशन है +6 +3 +6 +6 +3। अब +6 के लिए हम क्या करेंगे, +10 -4, आंसर इज 10 और 5 15। मैंने आपको बताया था अपर बीट्स वैल्यू क्या होती है, 5।
ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है प्लस फाइव प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस टू, प्लस फाइव इंडेक्स फिंगर, प्लस फोर, प्लस सिक्स के लिए प्लस टेन माइनस फोर और प्लस टू, ठीक है। आंसर क्या आया हमारा, टेन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, ठीक है। जब मैंने बताया था कि अपर बीट्स लोअर बीट्स इकट्ठी ज्वाइन होती हैं बार्स को, तब हम अपर बीट से पहले काउंट करते हुए स्टार्ट करते हैं, यानी कि 10, 15, 16, 17, ठीक है। ये तीन इक्वेशन है हमारी प्लस 10 माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 6 की। लास्ट तीन इक्वेशन मैंने आपको करवाई थी प्लस 10 माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस 7 की। कुछ इक्वेशंस है जो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगी, या आप खुद अपने उसमें भी देखकर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको करने में दिक्कत आती है कि मुझे इस फॉर्मूले में दिक्कत आई है या ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं वो इक्वेशंस, वो फॉर्मूलेज या वो अबेकस की कुछ क्वेरीज हैं जो आपको नहीं हो रही होंगी, वो सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको टोटल फोर फॉर्मूले करवा चुकी हूँ स्टार्टिंग से लेवल वन के। प्लस टेन माइनस वन इक्वल्स टू प्लस नाइन, प्लस टेन माइनस टू इक्वल्स टू प्लस एट, प्लस टेन माइनस थ्री इक्वल्स टू प्लस सेवन, प्लस टेन माइनस फोर इक्वल्स टू प्लस सिक्स, ठीक है। अब आगे के जो फॉर्मूले होंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती रहूँगी। अब से आपको मेरी अबेकस की वीडियो में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जैसे लास्ट डेढ़ दो महीने में आपको प्रॉब्लम आई है। मुझे पता है कुछ बच्चे वेट भी कर रहे होंगे इस वीडियो का कि कब अबेकस के नेक्स्ट फॉर्मूले की वीडियो आएगी। कोई बात नहीं, अब जो लेट हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आगे से अब वीडियोज़ मेरी बिल्कुल अप टू डेट होंगी, लेट नहीं होंगी। टाइम टू टाइम मैं अपने फॉर्मूलेज के अपडेट करती रहूँगी। अभी तक हमारा लेवल वन ही चल रहा है, ठीक है। लेवल वन में हमारे तीन फॉर्मूले हैं, बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लेवल वन को भी हमने बिल्कुल अच्छे से करना है क्योंकि हमारा बेसिक पार्ट है। मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि अबेकस में बेसिक पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने एट लेवल्स तक का हम अपना सारा इक्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके नेक्स्ट फॉर्मूलेज लेकर आऊँगी, वो लेवल वन के ही होंगे। अभी ये चार फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से अपने अबेकस में यूज़ करिएगा, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतनी ही मेरी वीडियो है, इतनी ही मेरी इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूँगी और जल्दी मैं आपको आगे के फॉर्मूले भी समझाती जाऊँगी जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सो बच्चों, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपने घर में अपनी अबेकस की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे अबेकस के यूट्यूब चैनल से टच में रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अबेकस में जो कुछ आपको दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगी। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बच्चे।